क्योंकि टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ मॉडर्न डे लिविंग, डॉक्टर्स वॉर्न कर रहे हैं अगेंस्ट द राइज इन स्क्रीन टाइम जो देखने को मिल रहा है बोथ इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। रीसेंट स्टडीज ने ये शो किया है कि एवरेज इंडियन कम से कम 4 से 7.4 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं डेली, इनफ टू कॉज लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट। ये स्मार्टफोन हो सकता है या टेलीविजन हो सकता है या टैबलेट हो सकता है, जो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जहाँ पे एक इंसान हुक्ड रहता है टू द स्क्रीन, मीनिंग कि पर्सन सेडेंटरी पोजीशन में रहता है काफ़ी समय तक, जो ट्रिगर करते हैं हेल्थ इश्यूज जैसे कि ओबिसिटी, हाइपरटेंशन एंड इवन डायबिटीज। एक्सेसिव एक्सपोजर टू गैजेट्स डल करता है ब्रेन को, इसके साथ साथ ये लीड करता है टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्लीप इश्यूज। चिल्ड्रन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ये है हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना, विद स्क्रीन टाइम जो ट्रिगर करता है ऑटिज्म को और ये मैसिवली इंक्रीज करता है केसेस ऑफ मायोपिया को, जो कि होता है शॉर्ट साइटेडनेस। हम बात करेंगे अबाउट द मेजर डिसऑर्डर्स जो राइज पे आ रहे हैं, मायोपिया केसेस जो है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट हुआ है कि इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग दैट ऑफ इंडिया सफर करेंगे फ्रॉम मायोपिया, एंड चिल्ड्रन पर्टिकुलरली रिस्क में है, यानी कि आधे से ज्यादा बच्चों को चश्मे लगेंगे। वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग ट्रेंड्स जो रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रहे हैं इज द सर्च इन चाइल्डहुड मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, ये है एक्सपर्ट्स का कहना। मेन फैक्टर जो ड्राइव करता है द इंक्रीज इज एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है अ मिनिमम ऑफ 90 मिनट्स लॉन्ग विजन टाइम ड्यूरिंग प्ले टाइम या आउटडोर एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन टू प्रिवेंट मायोपिया। अगर आप फोकस्ड रहेंगे ऑन स्मॉल स्क्रीन जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा, जो कॉज करते हैं आई स्ट्रेन और विजन इश्यूज इन सीइंग लॉन्ग डिस्टेंसेज, इसमें एनी काइंड ऑफ स्क्रीन एक्सपोजर जो है वो कॉज करता है ड्राइनेस ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लिंक रेट। लॉन्ग स्क्रीन टाइम कॉज कर सकता है आई फेटीग, हेडेक, नेक पेन एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये है डॉक्टर दीप्ति संपत कोटागरी का कहना, जो कि ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ऐड किया है कि बच्चों में ये लिंक रहता है टू अटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी कि ADHD, ओबिसिटी और इसके साथ साथ ये इनडायरेक्टली जो है आपके आईसाइट को इफेक्ट करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आउटडोर प्ले एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है फॉर हेल्दी आई डेवलपमेंट, क्योंकि एक्सपोजर टू नेचुरल सनलाइट हेल्प करता है इन प्रिवेंटिंग मायोपिया। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।